हे गाइस, वेलकम टू मैथ्स लर्निंग। सो इस वीडियो में हम देखेंगे जुसेप्पे मज़िनी के बारे में, जो एक बहुत बड़े इटालियन रिवॉल्यूशनरी थे। तो ये टॉपिक मैंने उठाया है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, तो इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक क्लास टेंथ के लिए भी, और नॉलेजेबल है, तो नॉलेज होना तो ज़रूरी है ही। तो देखते हैं इसके बारे में सारा डिटेल, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन में इसने क्या क्या चीज़ें की, इम्पॉर्टेंट क्यों हुए, सब चीज़ देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले तो उनकी फ़ोटोग्राफ, पोर्ट्रेट है ये। उसके बाद फिर आगे कौन थे, कहाँ के थे, बर्थ क्या की है। तो ये नोट ऑन जुसेप्पे मज़िनी, जो एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन भी है क्लास टेंथ में, तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। बर्थ हुआ था 22 जून 1805। एनसीईआरटी में 1807 दिया हुआ है, तो अगर एनसीईआरटी से प्रेफर करें तो भी ये सही है, ये भी सही है, दोनों ही सही है, क्योंकि गूगल से मैंने देखा तो 1805 दिखा है। तो 22 जून 1805 जेनोवा इटली के हैं, ठीक है। डेथ भी वहीं हुआ है इटली में, 10 मार्च 1872, पीसा इटली। तो ये सब चीज़ें डेट्स याद रखना ज़रूरी है जब अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो, ठीक है। निकनेम इनको दिया था द बीटिंग हार्ट ऑफ इटली, तो द बीटिंग हार्ट ऑफ इटली उनका निकनेम था। ही वॉज एन इटालियन रिवॉल्यूशनरी, ठीक है। तो आगे देखते हैं, ये नोट है, ये सब इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको आप इलेबोरेट करके अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो। तो ये मेन मेन चीज़ें जो है मैंने बताई है। तो मेम्बर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनेरी, वो सबसे पहले तो मेम्बर थे। अच्छा, इसके बारे में, इसके पहले मैं एक शॉर्टकट में इसका हिस्ट्री बता देती हूँ कि ये क्या किए, क्यों किए, है ना। तो सबसे पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था 1789, है ना। उसके बाद जो था वो पब्लिक का रूल आ गया था, वहाँ पहले मोनार्की था, तो मोनार्की को हटाने के लिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। उसके बाद जो है पब्लिक का रूल हुआ, वहाँ गवर्नमेंट हुआ, ठीक है। उसके बाद जो है नेपोलियन आया, तो नेपोलियन आया तो उसने बहुत सारे चेंजेस किए, कुछ अच्छे भी किए, कुछ बुरे भी किए, लेकिन फिर भी लोगों को वो पसंद नहीं था, क्योंकि जो उसने बुरे काम किए वो ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू जो अच्छे काम किए। तो फिर नेपोलियन को वो लोग हराने के लिए, उसको बाहर निकालने के लिए क्या हुआ, बैटल ऑफ वाटरलू हुआ, जो 1815 में हुआ। तो बैटल ऑफ वाटरलू किस किस के बीच में हुआ, चार थे, चार ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, ना ये चार थे जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया, ठीक है। तो प्रैब करके याद कर सकते हैं, PRAB, प्रैब, प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, है ना। तो मैंने बता दिया, ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए एक ट्रिक है याद करने के लिए, प्रैब, ठीक है। उसके बाद जीता कौन, ये चारों जीते, नेपोलियन हारा। फिर नेपोलियन हारा, नेपोलियन हारा, तो उसके बाद एक हुआ ट्रीटी ऑफ वियना, जो वियना में हुआ था। ट्रीटी यानी कि कोई एक एग्रीमेंट साइन करना, है ना। तो ट्रीटी ऑफ वियना हुआ, उसमें बहुत सारे जो मेन मेन लोग थे उन्होंने आके कांग्रेस किया, एक कांग्रेस जिसको बोलते हैं मीटिंग की। तो उसमें उन लोगों ने डिसाइड किया कि ठीक है, अब हम लोग एक कंजर्वेटिव बनाएंगे। कंजर्वेटिव यानी कि एक पॉलिटिकल फिलॉसफी टाइप के जो मेंबर्स होते हैं, जो बिलीव करते हैं कि हमको चर्च ज़्यादा बनाना है, हमको सोशल चीज़ें ज़्यादा करनी है। लेकिन इनडायरेक्टली क्या था, वह मोनार्की का ही था, ठीक है, पब्लिक के हाथ में कोई पावर नहीं था। तो बहुत सारे रिवॉल्यूशनरीज थे जो नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, वो नहीं चाहते थे कि मोनार्की रहे। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे ही एक थे ये जुसेप्पे मज़िनी, जिसके बारे में मैंने बताया, मैं बताऊँगी अभी। तो वो भी एक रिवॉल्यूशनरी थे जो फाइट कर रहे थे अगेंस्ट मोनार्की, कि उनको हटा के एक पब्लिक पावर्ड गवर्नमेंट बना सके, यूनाइटेड गवर्नमेंट बना सके यूरोप के लिए, है ना। तो आई होप हिस्ट्री समझ में आया होगा, तब जो अच्छे से समझ में आएगा। तो मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी थे, बहुत सारे सीक्रेट सोसाइटी वो बनाते थे, ग्रुप बनाते थे लड़ने के लिए, उनके फाइट करने के लिए मोनार्की से, है ना। तो एक सीक्रेट सोसाइटी ऑफ मेंबर थे, सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनेरी के। उसके बाद 24 के ही थे, ज़्यादा बड़े वो थे नहीं। 1831 में उनको, ही वॉज सेंट इन टू एग्जाइल इन 1831 फॉर अटेम्प्टिंग रिवॉल्यूशन। तो रिवॉल्यूशन वो अटैम्प्ट किए थे, एक रिवॉल्यूशन जो था लिगूरिया में, लिगूरिया में एक रिवॉल्यूशन वो अटैम्प्ट किए थे, जिसके कारण उनको वहाँ से एग्जाइल कर दिया गया। एग्जाइल यानी कि किसी एरिया से आप उनको निकाल रहे हो, है ना, सेपरेट कर रहे हो,
तो एग्जाइल कर दिया गया। फिर क्या हुआ, देन ही फाउंडेड टू मोर सोसाइटीज़। तो उन्होंने दो, वहाँ से एग्जाइल होने के बाद उन्होंने दो सोसाइटी और बनाया, दो सोसाइटी जो कि नाम था यंग इटली इन मार्सलिस एंड यंग यूरोप इन बर्न। दो ग्रुप, दो सोसाइटीज़ या दो ग्रुप बोल सकते हैं उन्होंने बनाया। उसके बाद उसमें जो मेंबर्स थे वो कहाँ कहाँ के थे, पोलैंड के थे, फ्रांस के थे, इटली के थे एंड जर्मनी के थे, चार जगह के वहाँ के मेंबर्स थे। उसके बाद क्या हुआ, ही बिलीव डेट गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। इसका मतलब वो बिलीव क्या करते थे, वो सोचते थे कि जो गॉड है वो क्या किए हैं, वो इस नेशन को बनाया है ताकि सब ब्रदरहुड का क्वालिटी यूनाइटेड होके रह सके, है ना। वो ये सोचते थे पीसफुली ह्यूमैनिटी दिखाएं, इक्वालिटी है सब में। तो ये जो नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड है, जो नेचर देता है हमको एक ह्यूमन होने का जो राइट होता है, वो सब चीज़ हो उस नेशन में, ऐसा वो बिलीव करते थे। ऐसा नहीं कि हर एक जगह का अलग अलग लैंग्वेज चल रहा है, हर एक जगह का सब चीज़ अलग अलग चल रहा है और एक मोनार्की के हाथ में सारी पावर, तो वो उनको पसंद नहीं था, वो उनकी सोच डिफरेंट थी। सो इटली हैड टू कम्बाइन इन टू अ सिंगल रिपब्लिक। तो वो सोचते थे कि इटली को कभी ना कभी एक रिपब्लिक में यूनाइट होना ही है, यूनाइटेड होना ही है सारे, मतलब आस पड़ोस के जितने भी उनके थे रीजन को, किंगडम्स को, एक यूनाइट होके रहना है। फॉलोइंग हिम सीक्रेट सोसाइटीज़ वर सेटअप इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। तो उनको फॉलो करते हुए और भी जगह जैसे जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड में भी सीक्रेट ग्रुप्स बने। मज़ीनीज़ इंक्रीजिंग अपोजिशन टू द मोनार्की फ्राइटेंड द कंजर्वेटिव्स। ठीक है, तो जो मज़ीनी का अपोजिशन का जो बढ़ रहा था कंटिन्यूसली, जो उसका इंक्रीज़ हो रहा था एफर्ट, उससे डर गए जो कंजर्वेटिव बने थे वो, मतलब उससे डरने लगे। तो जो ड्यूक मेटरनिच था, जो ऑस्ट्रियन चांसलर था, अब ड्यूक मेटरनिच के बारे में मैंने नहीं बताया, ड्यूक मेटरनिच वो थे जो होस्ट किए थे कांग्रेस को जब ट्रीटी ऑफ वियना हो रहा था, तो उसके जो होस्ट थे वो, मतलब क्या थे ये, यही थे ड्यूक मेटरनिच। तो वो भी ट्रीटी ऑफ वियना में जो वहाँ पर डिसाइड हुआ था कि मोनार्की का ही चलेगा, ऐसे ऐसे कंजर्वेटिव बने थे, तो ड्यूक मेटरनिच भी उन लोगों के साथ थे। तो ड्यूक मेटरनिच भी उसका अपोज करते थे जोसेफ मज़ीनी का। तो उन्होंने उसको क्या बोला था, उन्होंने डिस्क्राइब कैसे किया, द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। तो वो सोचते थे कि ये जो है मज़ीनी जो है वो एक सबसे बड़े दुश्मन है हम लोग के, है ना। तो उन्होंने उसको ऐसे डिस्क्राइब किया था। तो यहीं तक था इसका शॉर्ट नोट जो इम्पॉर्टेंट है और जो पढ़ना है लिखने के लिए एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, बाय।